तो दोस्तों आप लोगों की दुआओं से और सभी के साथ से, सबकी जिन्होंने प्रेयर्स की है, हमारी रानी बिल्कुल ठीक है। पर ये अंडों को देख रहा है, अब देखना है किस तरह से अंदर बैठेगा। राजा ये क्या है चक्कर भाई, एक अंडा बाहर रखा है और बाकी तोड़ी भी नहीं है दोस्तों यहाँ पर सारे। तो हाँ जी फ्रेंड्स, जो है आज हमने जो है रिदु के बाल जो है छोटे छोटे करवा दिए हैं। तो रिदु के जो हेयर्स हैं हमने कट करवा दिए हैं जी। और देखो जी रिदु ऐसी लग रही है। रिदु सबको हेलो करो। हेलो। आप सभी को रिदु हेलो कह रही है जी। बाकी जी हमारी जो बर्ड्स के है अपडेट वो ऐसी है जी, छोटी साना को बंद कर रखा था जी, एक तो झूला ही झूल रहा है। देखो चूजा, ये जो छोटे वाला चूजा है ये इस पे बैठ के झूला झूलते रहते हैं और बड़े आराम से। अब देखो जी कितने एक्साइटेड हो रहे हैं बाहर निकलने के लिए, जबकि इनको थोड़ी देर पहले ही हमने बंद किया था। और जी हमारे जो रांझा रानी और शहजादा बाहर बैठे हैं जी। आज अभी अभी जो है जो रानी है वो अंदर बैठी हुई थी और रांझा और शहजादा बाहर था। पर फिलहाल जो है जी अंडे हमारे ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर रखे हुए हैं, और जो हमारा शहजादा है और रानी और राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज सारे के सारे बाहर निकले हैं, मौसम बड़ा ही अच्छा हुआ था तो आज जो है ये सारे के सारे यहाँ पर आराम से बैठे थे, धूप भी सेक रहे थे दोस्तों। तो इनको खाना वगैरह दे दिया है, अच्छे से खिला दिया है जी खाना, और हेल्दी दाना इनको दे रहे हैं जी। आजकल चने हैं, मूंग है, और साथ में कनक है, बाजरा है, ये सब इनको हम आजकल सर्दियों में खाने को दे रहे हैं। और पानी का बर्तन यहाँ पर देख सकते हैं जी, साफ सुथरा पानी भर के रख दिया था। रिदु आप कहाँ जा रहे हो? रिदु दी अंडे देखने आई है, कबूतर के एग्स देखने आई है, क्योंकि ज्यादातर तो ये बैठे रहते हैं। हाँ दो अंडे हैं ना, इनमें से दो बच्चे निकलेंगे ठीक है। निकाल दो बाहर। नहीं नहीं बेटे बाहर नहीं निकालते, इनको नहीं छूते। रांझा और रानी आपको गुस्सा करेंगे कि हमारे अंडे क्यों छेड़ रही है रिदी माँ, है ना। ठीक है बोलो आ जाओ। ठीक है। और देखो जी यहाँ पे हमारा रांझा जो है ऊपर से आ चुका है, क्योंकि रानी बाहर निकल के गई अभी, अंडों पे से ऊपर बैठ गई और रांझा नीचे आ गया। जबकि जी देखो ये बड़ा डरता है, पर अंडों पे बैठने के लिए देखो जी किस तरह हम खड़े हैं, तो एकदम से नीचे नहीं जा रहा है ये, पर ये अंडों को देख रहा है। अब देखना है किस तरह से अंदर बैठेगा। और ये देखो जी ये नीचे नहीं आ रहा है, वहीं से कोशिश कर रहा है कि मैं अंदर चला जाऊं। रिदु थोड़ा पीछे हो जाओ, वो आ जाएगा नीचे। आ जाओ आ जा रांझे बैठ जाओ। इससे आया नहीं जा रहा जी, देखो ये अब आया नीचे, अब यहां से ये ऊपर चढ़ेगा देखना जी। और देखो जी, तो दोस्तों इनकी यही बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अंडों को जो है ज्यादा देर नहीं छोड़ते हैं। और हमारा जो रांझा है ऐसे तो पूरा दिन ऊपर रहता है, पर जब बात आती है कि जब रानी चली जाती है बाहर, तो ये फटाफट आकर अंडों पर बैठ जाता है। और दोस्तों देखो जी राजा बैठा है अंडे पर एक अंडा इसने अभी भी बाहर छोड़ रखा है, और सारी की सारी तुड़ी इन्होंने नीचे गिरा दी है जी। अब मैं देखता हूँ इनको वापस तुड़ी को रख देता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ। राजा ये क्या है चक्कर भाई, एक अंडा बाहर रखा है और बाकी तुड़ी भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सारी ही खराब कर दी इन्होंने, पता नहीं कहाँ रख दिया। ये नीचे गिरा देते हैं, पता नहीं कैसे नीचे साइड में एक गैप है, वहां से तुड़ी नीचे गिर जाती है। तो मैं इसको अंदर को कर देता हूँ जी अंडे को भी। तो दोस्तों रही बात हमारे राजा और रानी की, तो रानी की मैंने आप लोगों को लास्ट पिछले ब्लॉग में बताया था कि रानी अब हमारी ठीक है, और हॉस्पिटल से हम उसे घर ले आए थे। और दोस्तों एक दिन तक तो उसने कुछ भी नहीं खाया था, बट अब जो है वो अच्छे से दाना खा रही है, हम उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, दो मिनट चुप रहेंगे बेटा। तो दोस्तों हम उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं और अच्छा खाना उसको दे रहे हैं, तो कल से हमारी जो रानी ने है खाना वगैरह खाना अच्छे से शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उनको भी ले जाकर, अगर वो दिखते हैं कहीं यहाँ पर साइड में हुए तो। रानी को हमने फिलहाल जो है खुला ही छोड़ रखा था दोस्तों कि जहाँ उसका दिल करे वो रहे, बट यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रही है जी, और मेरे ख्याल से इसके नीचे भी नहीं है। तो मैं आपको दूसरे रूम पे भी ले जाके दिखाता हूँ जी, बाकी पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, और ये देखो जी अगर आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे तो वहाँ पर रेस्ट कर रही है हमारी रानी, और राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आप लोगों की दुआओं से और सभी के साथ से, सबकी जिन्होंने प्रेयर्स की है, हमारी रानी बिल्कुल ठीक है।
तो मैं इसको फिलहाल छोड़ देता हूँ जी यहीं पर, बंद कर दिया, फिलहाल इसको मैं यहीं छोड़कर देता हूँ जी। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग्स अगर आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन जिन्होंने हमारी रानी के लिए प्रेयर की, मेरे परिवार ने और भी जानने वालों ने, और हमारी रानी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और फिलहाल हमने मेल और फीमेल इनको अलग रखा हुआ है जैसा कि डॉक्टर्स ने कहा था, और लीवर उन्होंने देने के लिए बोला था, लीवर टॉनिक की 2-4 दिन देना है, तो वो भी हम रेगुलर दे रहे हैं। बाकी जब ये बाहर आएंगे तो मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये था जी हमारा आज का ब्लॉग, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।